अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थी, दास गरीब उधारिया सदगुरु मिले कबीर। इस अमृतमय वाणी में गरीब दास जी महाराज जी ने बताया है कि उनका उद्धार तब हो पाया जब उन्हें स्वयं कबीर परमात्मा एक सदगुरु के रूप में आकर मिले। नमस्कार, आज सतलोक आश्रम की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धूरी जिला संगरूर पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन के समागम का आयोजन 2, 3 व 4 मार्च 2023 को किया जा रहा है। इस समागम को सोशल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर मनाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर सतग्रंथ साहिब जो कि गरीबदास जी महाराज जी की ही अमृतमय वाणी है, तीनों दिन उसका अखंड पाठ चलेगा। एक ही बार में 2 पाठ चलेंगे जो कि महापुण्य प्रदान करेंगे। साथ ही में तीनों दिन यहाँ पर विशाल और अटूट भंडारा चलेगा, जिसमें देसी घी में बनी बूंदी का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। इस समागम पर आप सभी लोग सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। साथ ही में तीनों दिन यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आश्रम में किस प्रकार से इस समागम की तैयारियाँ की गई हैं। तो जैसे ही हम अंदर आए तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले राइट साइड पर यहाँ पे प्रणाम स्थल आता है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आकर दंडवत प्रणाम करते हैं, जिससे कि उन्हें प्रणाम यज्ञ का फल भी मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की जो श्रद्धा है वो देखते ही बनती है, और अपना सब काम छोड़कर वो यहाँ पर भक्ति और सेवा करने के लिए हर समागम पर एकत्रित होते हैं। आगे चलें तो लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जूता घर है, जहाँ पर अनुयायी और जगत के लोग आकर अपने जूते व चप्पल यहाँ जमा करवाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर रूम है यहाँ, और थैले लगे हुए हैं जिन पर नंबरिंग की हुई है, और उसी नंबर का टोकन जो है वो भक्तों को दिया जाता है, जगत के लोगों को भी दिया जाता है, ताकि वापसी करने में कोई भी असुविधा उन्हें ना हो। तो आगे की तरफ चले तो आप लोग देख सकते हैं, राइट साइड पर यहाँ पर पुस्तकालय है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनेकों पुस्तकें मिलते हैं, जैसे कि जीने की राह, ज्ञान गंगा और मुक्ति बोध। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों की लोकप्रियता सभी को मालूम है, और अनेकों लैंग्वेजेस में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें यहाँ पर मिलती है। तो चलिए यहाँ पुस्तकालय पर उपस्थित व्यक्तियों से जानते हैं कि कौन सी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। नमस्कार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर मिलती हैं और किन किन लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे श्री परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से ज्ञान गंगा पुस्तक अवेलेबल है, जीने की राह पुस्तक अवेलेबल है, और अपना गरिमा गीता की अवेलेबल है, मुक्ति बोध अवेलेबल है, कबीर परमेश्वर किताब अवेलेबल है, और भी अन्य किताबें अवेलेबल है, जो कि अपना सबसे जो महत्वपूर्ण बुक है ज्ञान गंगा और जीने की राह, जो पूरे विश्व को एक संदेश जाता है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए और किस तरह एक मानव जीवन जीना चाहिए। और ये जो सबसे फेमस बुक है, सबसे पॉपुलर जो बुक है, ये अपने अन्य कई लैंग्वेज में अवेलेबल है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, बंगाली, असमसे, मलयालम, और भी कई तरह की लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जी, हमने सुना है कि जो जीने की राह बुक है, एक ही दिन में लाखों डाउनलोड्स हुए थे, तो क्या रीजन है इसका कि इतने ज्यादा डाउनलोड्स एक बुक के हुए हैं, वो भी स्पिरिचुअल बुक के? इसका असल कारण ये है कि ये जो जीने की राह किताब है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसका कारण ये है कि इसमें एक साधारण मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। जैसे हम आजकल के परंपरा को देख रहे हैं कि कई जो होते हैं दहेज के हिसाब से अपने बहन बेटियों को कत्ल कर देते हैं, शादी नहीं करा पाते जो गरीब परिवार होते हैं, और कई भी कोई मनुष्य होता है जो लालच के हिसाब में किसी बंदे का कत्ल कर देता है, या कोई भी जो मैंने मनुष्य जीवन को नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पाप बढ़ते हैं। तो परमात्मा इस जीने की राह से यही संदेश देना चाहते हैं कि एक आम जीवन को कैसे जीना चाहिए, जो अपने गलत परंपरा, जो अपने बाबा महंत जो हमारे शुरू करा चुके हैं, जैसे पितर पूजा देवी देवताओं की, जो कि शास्त्र अनुसार बिल्कुल गलत है। तो परमात्मा इस चीज का संदेश इस किताब से देना चाहते हैं कि हम कैसे एक मानव साधारण जीवन जी सकते हैं और अपने आत्म कल्याण करा सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी अपने तत्व ज्ञान को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए सिर्फ 20 रुपए में ये बुक्स को दे रहे हैं, बल्कि कॉस्ट भी उससे ज्यादा पड़ती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है आश्रम में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सारी मेडिसिन भी अवेलेबल करवाई जाती है कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमिजिएट रेमेडी उनको दी जा सके, तो इसलिए यहाँ पे मेडिसिन का भी पूरा प्रबंध है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने रखा है। नमस्कार,
नमस्कार। ये जो मेडिसिन आप यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं तो क्या इसका आप कॉस्ट भी लेते हैं, कुछ प्राइस पे करना पड़ता है लोगों को? जी नहीं, ये गुरु जी की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क होती है। जी धन्यवाद। अच्छा, तो आगे हम लोग देखे तो यहाँ पर दरबार साहिब है और दरबार साहिब को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। आप लोग देख सकते हैं फूलों से और लाइटों से दरबार साहिब को सजाया गया है और फूलों से ही ऊपर लिखा भी गया है बोध दिवस संत गरीबदास जी महाराज। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही समय पर दो पार्ट चल रहे हैं, लेफ्ट साइड पर लेडीज पार्ट पढ़ रही है और राइट साइड पर जेंट्स पार्ट पढ़ रहे हैं। तो ये अखंड पाठ चल रहा है गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमय वाणी का, जिसे की सतग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि लेडीज और जेंट्स, मेल और फीमेल के बीच में जो भेदभाव है उसे पूरे तरीके से खत्म कर रहे हैं और सारी सेवा का मौका फीमेल्स को भी यहां पर दिया जाता है। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुबाल। आप कहाँ से आए हैं? मैं फरीदकोट पंजाब से। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? हमने 2004 में ली थी गुरु जी से नाम दीक्षा, जून के महीने में करनाल में शिविर लगा था 5 दिनों का, तो उस शिविर में हम आए थे तो वहाँ आके हमने ज्ञान सुना, हमें समझ आई तो फिर हमने नाम ले लिया। उससे पहले हमने यह ज्ञान कभी नहीं सुना था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप किसी अन्य गुरु से भी आपने नाम दीक्षा ली हुई थी? हाँ जी, हमने पहले हनुमान जी की ज़्यादा भक्ति करते थे तो उसके लिए हम फरीदाबाद से, हमने नाम वसुंधरा कोई जगह है वहाँ पे हमारे गुरु थे, वो हमें हनुमान जी का ही नाम देते थे, वो हम नाम जाप करते थे, भक्ति करते थे। लेकिन उससे ऐसा नहीं था कि हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज्ञान पता चला, जो पूरी दुनिया जैसे देवी देवताओं की पूजा करती है वही सब वहीं पे था। तो यहाँ जब आए हैं तो यहाँ हमें एक दुनिया से अलग ज्ञान जो हमने पहले कभी नहीं सुना था तो वो ज्ञान सुनने को मिला, हमें समझ आई, शास्त्रों के अनुसार हमें सारा ज्ञान बताया गया। तो जब हम शास्त्रों में उसके प्रमाण देखे हमने तो फिर हम एकदम हम उधर से हट के फिर इधर आ गए। तो क्या मानते हैं आपके संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो अन्य गुरुओं से किस प्रकार से भिन्न है? हाँ जी, सबसे पहले तो ये शास्त्रों में इस ज्ञान के प्रमाण लिखे हुए हर जगह पे, गुरु जी अपनी बुक्स जो हैं किताबें खोल खोल के दिखाते हैं और मतलब हमें तो ऐसा लगा था, मैं थोड़े शब्दों में आपको बताऊंगी भाई, जैसे मैथ में सवाल होते हैं ना, सवाल हल होते चले जाते हैं हमारे जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसमें क्या है कि ये ज्ञान ऐसा था कि ऐसे हमें लग रहा था कि हमारे अंदर के सवाल हल होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते गए हमारे सवाल हल होते गए, जो क्वेश्चन हमेशा से हमारे मन में रहे थे भाई हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी हमारे दुख दूर नहीं होते, तो ये जब ज्ञान सुना फिर सारे ही हमारे अंदर के सवाल हल होने लग गए। और मतलब 3 महीने में हमें सत्संग सुना था पहले, उसके बाद फिर जून में हमें मौका मिला गुरु जी का शिविर जो है अटेंड किया हमने संत रामपाल जी का 5 दिन का, तो फिर उस शिविर में आके फिर तो हमारा ऐसा था जैसे हमारे अंदर का अंधेरा दूर हो गया। जी हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर लोगों को बहुत प्रकार के लाभ होते हैं, शारीरिक लाभ भी होते हैं, आर्थिक लाभ भी होते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर क्या क्या लाभ हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी से जब हमने नाम लिया तो सबसे पहला लाभ तो हमें ये हुआ कि हमें असल में जो भक्ति क्या होती है, परमात्मा कौन है, कैसा है, हम कहाँ से आए, ये सब ध्यान हुआ। तो उसके बाद फिर हमने मतलब ये समझ आई कि मैं दुनिया में अकेली आई हूँ, अकेली ही जाना है। तो पहले मैंने अकेली ने नाम ऐसे सोचा था मेरे पति भी नाम लेंगे तो मैं फिर नाम लूँगी, लेकिन फिर जब ज्ञान सुना, 2 दिन हमने सत्संग सुना था जैसे सुबह का, शाम का और अगले दिन सुबह का, तो हमें इतनी समझ आ गई कि मैं दुनिया में अकेली आई हूँ, अकेली जाना है, तो मैं अपने पति के पीछे अपनी श्वासें क्यों खराब करूँ, क्योंकि श्वासों की कीमत भी इसी ज्ञान से हमें पता चली है भी हमारे एक एक श्वास की क्या कीमत है। बस फिर उसके बाद हमने फिर नाम ले लिया और सबसे पहला लाभ मुझे ये हुआ कि मेरे पति जो हैं वो पहले नशा करते थे, शराब पीते थे, उन्होंने भी सीढ़ियों का सेट लिया, 21 सीढ़ियों का तब सेट था तत्व ज्ञान संदेश का, हमने वो सुनी, फिर 1 महीने बाद मेरे पति ने भी नाम ले लिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हमारा मार्ग दोनों का एक हो गया। फिर बाद में फिर अगले महीने बच्चों ने भी ले लिया, फिर उसे अगले महीने बेटे ने ले लिया, ऐसे करके हम पूरी फैमिली फिर आ गए। जी यहाँ पर जो संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है तो हम जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से इसे सेलिब्रेट करते हैं? तो सबसे पहले तो संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे सन 1727 में जब वो 10 वर्ष के थे, तो उनको जिंदा महात्मा कबीर परमात्मा जी उनको सतलोक लेकर गए थे,
तो उनके अंतःकरण में सारी अमृतमय वाणी उनके अंदर फीड कर दी गई थी। तो जब गरीबदास जी महाराज जी को वापस यहाँ पे शरीर में छोड़े थे तो उन्होंने दादू पंत गोपाल दास जी से मतलब अपना अमृतमय वाणी सारी उनके हाथों लिखवाई थी। तो उसी सदग्रंथ साहिब का अखंड पाठ चलता है यहाँ पे, और ये तीन दिन का ये अखंड पाठ चलता है। और इस अखंड पाठ के दौरान हमारे जो है ब्लड डोनेशन कैंप भी लगता है, और यहाँ पे दहेज रहित विवाह भी होता है। और यहाँ पे अखंड पाठ से पहले हम पूरे सभी शहर आसपास के गांव शहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सभी लोगों को सादर आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ पे 3 दिवसीय अटूट विशाल भंडारा भी चलता है। तो हम सभी समागम इसी तरीके से मनाते हैं। जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, तो उन दहेज मुक्त विवाह के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। जी, जैसे कि आप जानते ही हमने बोला कि दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, जहाँ पे हमारे गुरुजी हैं वो वहाँ पे 17 मिनट की वाणी चलती है, गुरुजी की अमृतमय वाणी चलती है, जिसमें ना कोई बैंड बाजा होता है ना कोई ढोंग होता है, सिर्फ साधारण कपड़ों में होती है ये जो गुरुजी की मैरिज होती है, और ना ही दोनों साइड में कोई लेन देन होता है, ना डायरी फ्री मैरिज आई है यहाँ पे। और जो भी मतलब यहाँ पे आश्रम में आते हैं 17 मिनट में विवाह हो जाता है, और कोई भी ऐसा ढोंग नहीं होता। और गुरुजी ने हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि जो लड़की अपने पिता पे बोझ होती है वो ये बोझ अब हट गया है, गुरुजी ने टायरलेस अपनी एफर्ट से ये बोझ हटा दिया है। और आप भी अपने हमारे गुरुजी की शरण में आके ऐसे लाभ पाइए। जी, जैसा कि समाज के सभी लोग जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी डाउरी फ्री मैरिजेज यानी कि दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, तो उस बारे में आप हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। आपने सही सुना है, हमारे गुरुजी बिल्कुल दहेज की जो कुरीति है इसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं पूरे समाज से। वो इस माध्यम से एक तो उनका ज्ञान, जो वो ज्ञान देते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं ये हमारे बोझ नहीं है हमारे सिर पर, जो कि जैसे पहले बच्चे बेटियों को टेस्ट का वो चला था चलन, तो उसको गर्भ में मार दिया जाता था। तो हमारे गुरुजी ने ऐसा वो मिशन चलाया जिसमें बच्चियों की दहेज मुक्त शादियां होती है, रामायणी सिर्फ 17 मिनट में परमात्मा की वाणी चलती है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति होती है, परमात्मा के सामने बच्चे दोनों बैठ जाते हैं लड़का लड़की, और सिर्फ 17 मिनट में कोई पाखंड नहीं, कोई बैंड बाजे नहीं, बिल्कुल सादा सिंपल कपड़ों में जैसा चाहे जैसा जिसकी वह हो वैसे वो पहनकर बैठ सकते हैं, और लड़की बड़े अच्छे से, और वो भी लड़का भी बिल्कुल नशा मुक्त मिलेगा, क्योंकि हमारे गुरुजी देश को नशा मुक्त भी बनाना चाहते हैं, देश मुक्त बनाना चाहते हैं, नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, रिश्वतखोरी मुक्त बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, ये हमारे गुरुजी के सारे उद्देश्य हैं। नमस्कार सत्सर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं यहाँ पर जो अखंड पाठ चल रहा है 2, 3, 4 मार्च 2023 को, ये कौन सी अमृतमय वाणी का यहाँ पर पाठ किया जा रहा है? ये संत गरीबदास जी महाराज जो हैं जिस छुड़ानी के जज्जर जिला में से, उनको ना 10 वर्ष की उम्र में कबीर साहब आके मिले थे, और उनके अंत्यकरण में जो सारी वाणी फीड कर दी थी जिसका ये ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, तो वो गांव वालों ने उनको ना मृत्यु समझ के उनकी आत्मा को कबीर साहब ऊपर लेके सारा कुछ दिखाया, सचखंड दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखाया, तो उनको मृत्यु जान के चिखा पे रख लिया, तो परमात्मा ने उनकी आत्मा को उनके शरीर में प्रवेश किया, तब वो चिखा के ऊपर से उठ खड़े हुए, तब वो ये वाणी बोलने लगे। तो उस वाणी को एक गोपाल दास नाम का संत था जो दादू पंथी था, तो गाँव वालों ने बोला कि ये लड़का पागल हो गया, जब वो वाणी बोल रहे थे कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे तीर दास गरीब उधार या सतगुरु मिले कभी, तो गांव वाले कहने लगे ये पागल हो गया। तो वहाँ एक संत आता था दादू पंथी था वो गोपाल दास, तो उसके पास ले गए कि जो संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं, तो जब वो वहाँ लेके गए तो उन्होंने दिखाया संत गरीबदास जी को कि ये हमारे गाँव का ये लड़का है, हमारे यहाँ इसके नानके हैं, ये पागल हो गया, किसी संत ने इसके ऊपर जादू टोना कर दिया। तो उसने गरीबदास जी को कहा कि आपको कौन थे वो, कहाँ लेके क्या कर दिया आपको, तो गरीबदास जी ने वो वाणी बोलनी शुरू कर दी, और जब वो वाणी बोली गरीबदास जी ने, तब वो गोपाल दास जी उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और बोला कि गांव वालों पागल तो आप हो, ये तो वो वाणी बोल रहा है जो आने वाले समय में लोगों का उद्धार करेगी आम जनता का। तो वो गोपाल दास जी ने कहा कि ये वाणी महाराज आप लिखवा दो। 5-6 दिन गरीबदास जी ने उनको कुछ नहीं बताया, 5-6 दिन के बाद बोला कि मैं लिखा तो दूंगा अगर तू पूरी लिखेगा। तो गरीबदास जी ने कहा, गोपाल दास जी ने कहा कि मैं फ्री हूँ मैं पूरी लिखूँगा, तब वो कहे चलो लिखो।
तो वहाँ जाके ना एक अपने जांडी का पेड़ था उनका, गरीबदास जी के वहीं जो उनकी जमीन थी वहाँ ले गए गोपाल दास जी को। तो गरीबदास जी ने बाणी बोली और गोपाल दास जी ने पूरी बाणी लिखी, उस बाणी का ही यहाँ पाठ चल रहा है। धन्यवाद।